शिक्षक दिवस के अवसर पर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक संघ के आह्वान पे पूरे बिहार भर के शिक्षकों ने काला बिल्ला लगा करके आज कार्य किया। उनका विरोध था समान काम समान वेतन सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ है उनको शिक्षक के रूप में सम्मानित किया जा रहा है और शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनका आरोप है कि सरकार है काम तो समान लेती है लेकिन वेतन नहीं देती है। आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के अटॉर्नी जनरल के द्वारा उन शिक्षकों के खिलाफ में अपने बात को रखा जा रहा है और सरकार की नीयत अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि वह क्यों नहीं शिक्षकों को समान वेतन देना चाहती है। आज बच्चों के लिए शहर के टाउन हाई स्कूल में एक विशेष आयोजन किया गया था और यह शिक्षाप्रद शिक्षा उनको दी गई थी। इसके पीछे उनको एक फिल्म दिखाई गई, टॉयलेट नाम की फिल्म है, और इस फिल्म के माध्यम से बच्चों को कुछ चीज़ें सिखाई गई, उन्हें बताया गया कि किस तरीके से अपने आसपास के माहौल में रहना चाहिए और कैसे अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनानी चाहिए। ये काला बिल्ला लगा रहे हैं, समान वेतन समान काम का जो उनकी मांग है उसी के सपोर्ट में हम लोग ये कर रहे हैं। सारा कार्यक्रम हम लोग सुबह से इसी तरह काला बिल्ला लगा करके कर रहे हैं और एक तरह का प्राचार्य हो या और भी कर्मचारीगण हैं और सभी लोग शिक्षकगण तो हैं ही, सभी लोग ये काला बिल्ला लगा कर आज काम कर रहे हैं और इस सम्मान में अपना सहयोग कर रहे हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर एक ओर जहां पूरे बिहार और देश में शिक्षकों का सम्मान समारोह किया जा रहा है, वहीं बिहार के उच्चतर और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक सरकार के का विरोध कर रहे हैं, अपने हाथों पे काला बिल्ला लगाकर आज विद्यालय कार्य कर रहे हैं। आज चूंकि शिक्षक दिवस है इसलिए शिक्षण कार्य बंद है, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने के लिए आज उन्हें फिल्म दिखाया जा रहा है, टॉयलेट फिल्म। हालाँकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसको बंद कराया ताकि इस न्यूज़ को कवरेज किया जा सके। कुछ शिक्षक हैं, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। मैं कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे अपने शिक्षकों के साथ यहां बैठे हैं फिल्म देखने के लिए और उनको यह शिक्षा दी जा रही है, खास करके स्वच्छ भारत बनाने में जो प्रधानमंत्री का जो सपना रहा है उसको कैसे साकार किया जाए, इसको लेकर के छोटे छोटे बच्चे अपने शिक्षकों के साथ ये फिल्म बैठ करके देख रहे हैं और शिक्षक आज काला बिल्ला लगाकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं ये शिक्षकों से जानेंगे। सर थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या कारण है आप लोग के विरोध करने का और क्यों बिल्ला आप लोगों ने लगाया। हम लोग का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसके विरोध में बिहार सरकार हम लोग के सुप्रीम कोर्ट में गई है इस और हम लोग को वेतनमान के लिए वह नहीं चाह रही है कि हम लोग का पूर्ण वेतनमान मिले, जिसके एवज में हम शिक्षक दिवस के रूप में विरोध करना चाहते हैं। शिक्षक दिवस को विरोध करें आप लोग, क्यों क्या कारण है विरोध करने का? कारण यह है कि एक तरफ तो सरकार हमारा सम्मान कर रही है और दूसरी तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके हमारे अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में हमारे विरुद्ध पक्ष रख रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि आखिर ये कैसा सम्मान है कि आप एक तरफ सम्मान कर रहे हैं और एक तरफ देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें हमारे विरोध में ही आप पक्ष रख रहे हैं। बात है, क्या कारण है सर और कब तक आप लोग इस तरीके से विरोध करेंगे? जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मांग लेगी तब तक हम लोग विरोध करेंगे। एक तरफ सब समान योग्यता है, समान वर्क है, हम लोग 10 से 4 विद्यालय में रहते हैं और सरकार की ये मंशा साफ नहीं है। योग्यता सब मैक्सिमम लोग नेट PhD हैं, MA पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं और शिक्षा वो बच्चे की जो एक तरफ सरकार दिखाती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुई है, हमारे स्कूल की उपस्थिति बढ़ी है, किसके बदौलत बढ़ी है जब वर्क सेम है, इक्वल पे हम संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है, एक समान काम के लिए समान वेतन मिला जा रहा है। जब पटना उच्च न्यायालय के से जब राजेंद्र मेनन के जो सुप्रीम पटना हाईकोर्ट के जज हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने जब डिसीजन ये दे दिया कि समान काम के लिए सभी शिक्षकों को समान वर्क समान पे मिलेगा, तब सरकार एक तरफ विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें बनाती है, विधानसभा में बोलती है कि जो सरकार जो कोर्ट का डिसीजन होगा उसको सरकार मानेगी, एक तरफ सरकार की दोहरी चरित्र, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो शिक्षा के बड़े बड़े पदाधिकारी बने हुए हैं वो उनकी देखिए किस तरह से विरोध कर रहे हैं। शिक्षा बच्चे के प्रति जिम्मेवार नहीं है, ये बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, जो बच्चे कल के युवा के भविष्य हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर जा रहा है, लोग अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं और उनके बच्चे के विकास से कोई मतलब नहीं, बच्चे कैसे बिहार का विकास होगा।
रोड बनवाने से तो विकास नहीं होगा, जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे कलम में दम नहीं होगा। विरोध क्यों कर रहे हैं? बस अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं कि बच्चे जब तक शिक्षक भूखे रहेंगे तो बच्चे को कैसे शिक्षा दें। सही बात, शिक्षक भूखे रहेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? समान काम समान वेतन को लेकर के इन लोगों का विरोध है। कुछ महिला शिक्षिका भी हैं यहाँ पे, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता, जब तक हमें समान काम का समान वेतन नहीं मिलता, तब तक हम ये विरोध जारी रखेंगे। एक समय था जब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर जो है तस्मै श्री गुरु है नमः, इस ये जो श्लोक है ये गुरुओं के लिए था। और उस वक्त गुरु ही सब कुछ था, गुरु राजा के लिए सब कुछ था, गुरु शिष्यों के लिए सब कुछ था, वो गुरु दक्षिणा के रूप में चाहे जो भी। आज हमारा औचित्य क्या है? उस समय हमारे ऊपर राजा थे, उस समय बाकी सारे मतलब गुरुदेव थे, हम उन्हें पूजा करते थे। आज आज के समय हमारा औचित्य है क्या? हमारे ऊपर सरकार है, मगर सरकार क्या हमें कभी नियोजित शिक्षक, कभी चार हजारिया शिक्षक, तो कभी शिक्षा मित्र, हमें शिक्षक तो रहने ही नहीं दिया गया है। हमें तो समाज के बीच एक कलंक के रूप में लाया गया है। जब तक हमें समान काम का समान वेतन नहीं मिलता, जब तक हमें सरकारी दर्जा नहीं मिलता, जब तक हमें सरकारी शिक्षक के रूप में मान्यता नहीं मिलती, तब तक हम ये विरोध जारी रखेंगे और हमेशा जारी रखेंगे। सर बात है, इन लोगों का कहना है कि जब तक इन्हें समान काम का समान वेतन नहीं मिल जाता, कोर्ट से डिसीजन नहीं मिल जाता और सरकार जो सम्मान देना चाहती है वो नहीं मिल जाता, तब तक ये विरोध करते रहेंगे। हालांकि आज पूरे भारत में शिक्षकों का सम्मान समारोह किया जा रहा है, वहीं पूरे बिहार में तकरीबन 40,000 शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। अपने हाथों पे काला बिल्ला लगाकर अपना विद्यालय कार्य जरूर कर रहे हैं, लेकिन विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। कारण दिनेश आज के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, हाजीपुर।